नमस्कार दोस्तों, आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA। तो आइए जानते हैं क्या है पब्लिक सेफ्टी एक्ट और ये चर्चा में क्यों रहा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को राज्य प्रशासन ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी बना लिया है। वे PSA के तहत बंदी बनाए जाने वाले राज्य के पूर्व पहले मुख्यमंत्री और सांसद हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त जहां रखा गया है उसे अस्थायी जेल का दर्जा दिया गया है। फारूक अब्दुल्ला उस समय से नज़रबंद है जब 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया था। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला तथा PDP मुखिया महबूबा मुफ्ती सहित कई दूसरे बड़े नेता भी हिरासत में रखे गए हैं। तो आइए अब हम जानते हैं क्या है सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA। सरकार सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत सुरक्षा कारणों को देखते हुए किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक नज़रबंद कर सकती है। यह कानून जम्मू कश्मीर में पहली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने साल 1978 में लागू किया था। इस कानून को तत्कालीन सरकार द्वारा लागू करने का मुख्य कारण बताया गया था लकड़ी की तस्करी को रोकना। इस कानून के तहत किसी इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को सही तरीके से बनाए रखने के मद्देनजर वहां नागरिकों के आने जाने पर रोक लगा दी जाती है। यह कानून सरकार को अधिकार देता है कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा हो। यह कानून सरकार को 16 वर्ष से ज़्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना 2 साल की अवधि के लिए बंदी बनाए जाने की अनुमति देता है। आइए जानते हैं PSA के तहत नज़रबंदी के बाद क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति के काम से सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसे 1 वर्ष की प्रशासनिक हिरासत में लिया जा सकता है। DM 5 दिनों के भीतर व्यक्ति को लिखित रूप में नज़रबंदी के कारण के बारे में सूचित करता है। हालांकि DM को असाधारण मामलों में 10 दिनों के भीतर संवाद करने का अधिकार है। PSA के तहत हिरासत के आदेश डिविजनल कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी किए जाते हैं। आइए जानते हैं हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संवैधानिक सुरक्षा क्या मुहैया कराई जाती है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना होता है अधिनियम की धारा 22 लोगों के हित में कई कार्यवाही के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कानूनी मुकदमा अभियोजन या अन्य कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल हमारी टीम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होगी। धन्यवाद। जय हिंद।